नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़िया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ख़ास है और ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ रिपल के ऊपर है। जैसे कि मैं पिछले भी एक दो वीडियो में मैंने रिपल के बारे में कहा है कि रिपल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी उसकी पार्टनरशिप्स हो रही है, बैंकों के साथ हो रही है, तो काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा देने वाला है। तो आज ये जो वीडियो है ये रिपल के ऊपर है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिपल का मतलब किस तरह से आप बाय कर सकते हैं, कौन से रेट पे आप बाई कीजिए, क्या इसका टारगेट है, शॉर्ट टर्म का टारगेट, लॉन्ग टर्म का टारगेट और कितना दे सकता है। प्लस मैं इसमें अपना लाइव इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको करके दिखा दूंगा इसके अंदर। तो फिलहाल आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो है मैंने ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू पे रिपल का और यूएसडी का चार्ट ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि रिपल का जो रेट था 11 तारीख के आसपास काफ़ी स्टेबल था। ओके, अगर मैं देखूँ 11 तारीख के आसपास तो लगभग 47-48 सेंट के आसपास इसका रेट चल रहा था, लेकिन 12 तारीख को उसने सीधा छलांग मारी। छलांग इसलिए मारी क्योंकि रिपल की एक नई पार्टनरशिप का ऐलान हो गया था और एक यूरोप का बहुत बड़ा बैंक है सेंटेंडर। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि रिपल की बहुत सारी सर्विसेज है, उस सर्विसेज में एक सर्विस है XRP। ओके, तो कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यूज़ कर रही हैं, बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर रही हैं, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। रिपल का मतलब XRP नहीं है, XRP उसकी एक सर्विस है, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको पूरा क्लियर कट बता दूंगा। और ये जो मैंने ओपन किया ये मैंने यूज़ किया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओपन किया है। आप देख सकते हैं 12 तारीख के आसपास मार्केट ने सीधा छलांग मारी है और हमारा ये जो लेवल था 61.8%, यानी कि येलो या ऑरेंज मार्क जो आप देख रहे हैं इसको जब क्रॉस कर देता है तो समझिए मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये जो है ये गोल्डन रेशियो कहते हैं इसे। तो मैंने पुराने वीडियो में बताया इसके बारे में, तो इसको क्रॉस कर दिया है, उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर है, ऊपर है, आप देख सकते हैं बहुत ऊपर गया है, ठीक है। अभी 15 तारीख से लेके मेरे ख्याल से 16 तारीख तक थोड़ा स्टेबल था। अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा है कि 17 तारीख यूएस में टैक्स भरने का लास्ट डे है और 17 तारीख के बाद से सिर्फ रिपल ने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आज आप यहाँ देख सकते हैं कि तो यहाँ पे आप देखिए कि 11:30 के आसपास मैं वीडियो बना रहा था और मैंने लगभग 11 बजे के आसपास इन्वेस्टमेंट कर दिया था अपना। और उसके बाद से ये जो आप देख रहे हैं येलो ऑरेंज लाइन इसको सीधा क्रॉस किया, यानी कि 61.8 का जो गोल्डन रेशियो है उसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद इमिडिएटली बहुत ज़्यादा इसमें छलांग आया है, ठीक है। लगभग जो रेट जा चुका है वो 68 सेंट्स के आसपास जा चुका है और मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है और 61.8 जो रिट्रेसमेंट लेवल है उससे भी हम काफ़ी ऊपर में चल रहा है रेट। इनफैक्ट रेट जो है वो काफ़ी टॉप लेवल पे चल रहा है, इवन 23.6 को भी इसने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे आके इसने एक नया ऊपर का रेजिस्टेंस बना लिया है, अब वापस से थोड़ा स्टेबल यहाँ चलेगा और उसके बाद कल के दिन आप वापस से देख सकते हैं रेट में काफ़ी छलांग है, या हो सकता है बाय एंड ऑफ द डे भी आप छलांग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको रिपल का जो चार्ट है वो बता दिया है। अब मैं पूरा आपको रिपल के बारे में एक डिटेल्स बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि यार रिपल का रेट नहीं बढ़ रहा है, रिपल क्या है, हमारा बहुत पैसा अटका हुआ है, रिपल का रेट तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब बहुत लोगों ने कहा है। लेकिन रिपल नंबर 3 की करेंसी है मार्केट कैप के अंदर और रिपल कोई पंप एंड डंप वाला कॉइन नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर से ये लिंक है। और मैं आज आपको रिपल के और भी बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे जानकर आपको रिपल में और इन्वेस्ट करने का मन करेगा। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है फॉर रिपल के लिए। मैंने सारी स्टडीज़ की है, मुझे अच्छा लगा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरी राय ये रहेगी कि आप भी एक बार स्टडी कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। अब मैं आपको रिपल के बारे में पूरी डिटेल्स बता देता हूँ। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग रिपल के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं और कुछ लोग बहुत डिटेल में नहीं जानते होंगे। तो मैं आज आपको रिपल के बारे में पूरा बता देता हूँ ताकि रिपल से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। रिपल एग्जैक्टली क्या है? रिपल जो है वो अपनी एक पेमेंट सर्विसेज देता है
और उनको सपोर्ट करता है पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस जो होते हैं, जैसे कि बैंक्स है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है और फाइनेंशियल सर्विसेज है, उनको वो सपोर्ट करता है, सर्विसेज देता है। तो XRP जो है वो एक रिपल की करेंसी है, ठीक है। इसके अलावा रिपल की और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बैंक्स और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं, जैसे कि XRapid काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो जो कंपनीज़ हैं या जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी बैंक्स हैं, XRapid को यूज़ करते हैं, तो उसके साथ उनको XRP भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अभी जो कंपनीज़ है XRP में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी जो पार्टनरशिप अभी बड़ी बड़ी कंपनीज से हो रही है, बड़ी बड़ी बैंकिंग से हो रही है, तो इसका रेट काफ़ी ऊपर जाने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ रिपल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, रिपल के जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वो है XCurrent। ये XCurrent क्या होता है? ये एक रिपल का एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करता है बैंक्स में। उसके साथ XRapid जो काफ़ी पॉपुलर है, ये भी एक सॉल्यूशन है पेमेंट प्रोवाइडर्स के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे XRP लगता है। XY जो है वो यूज़ करते हैं पेमेंट्स अक्रॉस नेटवर्क्स, यानी कि ऑनलाइन जितने भी इन्वॉइसेस होते हैं और भी डेटा जो बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें ये सपोर्ट करता है XY। और फाइनली आप और हम जिस चीज़ के बारे में ट्रेडिंग करते हैं, बात करते हैं, वो है XRP, यानी कि XRP एक रिपल का करेंसी है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। और अभी जो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, फ़िलहाल XRP का जो रेट है बढ़ के $0.68 के आसपास हो गया। यानी कि अब रिपल क्यों बूम करेगा, रिपल का रेट आगे क्यों बढ़ने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और कौन कौन सी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स ऑलरेडी हो चुकी हैं इसके साथ और होने वाली हैं। देखिए, जो बड़े बड़े बैंक्स ऑलरेडी रिपल के साथ लिंक हैं वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जो रिपल की XCurrent सर्विस को यूज़ कर रहे हैं में से। उसके बाद से रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, वो भी XCurrent को यूज़ कर रहे हैं। मनीग्राम है, और फिलहाल अभी एक मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई जहाँ पे वेस्टर्न यूनियन भी इसको यूज़ करने वाला है, तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके बाद सेंटेंडर जो है वो तो ऑलरेडी XRapid टेस्टिंग पे यूज़ कर रहा था, ठीक है। मतलब 2017 में सेंटेंडर जो यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है, वो XRapid सर्विस को टेस्ट कर रहा था और अभी उसने उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया था 12 अप्रैल को। इस वजह से उसका रेट काफ़ी बढ़ गया मार्केट में, ठीक है। तो बहुत सारी सर्विसेज है, और एक ये जो लिंक है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, RPPL.info। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको रिपल के बारे में जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी पार्टनरशिप्स हैं, जितनी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको एक स्नैपशॉट में मिल जाएगा। ओके, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी और न्यूज़ है, जो रिपल का रेट कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है एप्पल। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिपल और एप्पल की पार्टनरशिप हो गई है, ठीक है। एक हद तक सही है और एक हद तक सही नहीं भी है, क्योंकि एप्पल जो है वो रिपल का XRP नहीं यूज़ कर रहा है। एप्पल जो है वो रिपल का इंटरलेजर एक टेक्नोलॉजी है, उसको अभी वो यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो एप्पल के साथ रिपल का जुड़ना भी उसकी प्राइस को बहुत आगे लेके जाएगा ये इन फ्यूचर। और एक बार इन लोग का टाई अप अच्छे से हो जाता है, धीरे धीरे एप्पल हो सकता है कि अपने जो पेमेंट सर्विसेज हैं उसमें रिपल को भी इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। तो अगर वैसा हो जाता है तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट में रिपल का रेट $10 तक भी जा सकता है। अभी आप मुझसे कहेंगे कि भाई अभी तो ये 50 सेंट्स है, 68 सेंट्स है, $10 कैसे जा सकता है? तो $10 इसलिए जा सकता है क्योंकि रिपल का ऑल टाइम हाई जो 1-2 महीने पहले था, वो $3.23 ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। तो जब कुछ पार्टनरशिप अच्छी नहीं हुई थी, तब मार्केट जब ऊपर था तब 3.23 का ऑल टाइम हाई बना चुका है, तो $10 बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आगे ईयर एंड के बाद 1 साल का भी आप अगर टाइम देते हैं, तो आपको हो सकता है एक रिपल की कीमत $50 तक भी मिल सकती है। मैं आगे आपको पूरा प्राइस कंपैरिजन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट सारा बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो प्लीज़ देखिए, पूरा देखिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर मैं देखता हूँ कि उतनी ज़्यादा लाइक नहीं मिलती है। आपके लिए मुझे कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, ताकि आप लोग को मैं सही कंटेंट दे पाऊँ और सही तरह से आप उसको इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करना, ठीक है।
तो एप्पल से इसका जो पार्टनरशिप है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। और एक तरह से और भी आप ये कह सकते हैं, एप्पल और रिपल की जितनी ज़्यादा मार्केट में चर्चा होती है, चाहे वो हाइप होता है, हाइप न्यूज़ होती है, किसी भी तरह की भी होती है, रिपल का रेट ऊपर जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो भी मैं आपको बता रहा था, जो रिसेंट पार्टनरशिप हुई है सेंटेंडर बैंक से, यूरोप का सबसे बड़ा जो है, 12 अप्रैल को हुआ था, उन्होंने अनाउंस किया था, उसके बाद से रेट काफ़ी बढ़ गया था। उससे पहले लगभग 48 या के आसपास तक, 0.48 के आसपास तक रिपल का रेट था। अब रिपल जो है एक और टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है, जो आगे फ़ायदा देगा। एक नई टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है जो है इंटरनेट ऑफ वैल्यू। इंटरनेट ऑफ वैल्यू सिंपल मैं बता देता हूँ, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसफ़र करेगी फंड्स दुनिया में एक जगह से किसी भी दूसरी जगह पे विद इन सेकेंड्स। ठीक है, जो चीज़ रिपल ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके विद इन 3 to 5 सेकेंड्स फंड्स को ट्रांसफ़र कर देता है, नॉर्मली उस चीज़ को करने के लिए बाकी जितने बैंक से और भी जो सर्विसेज है वो 3 से 5 दिन का वक्त फ़िलहाल लेती हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इंटरनेट ऑफ वैल्यू जिस पे रिपल वर्क कर रहा है। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ रिपल की मार्केट हिस्ट्री। ऑल टाइम हाई जा चुका है $3.84 4 जनवरी के आसपास। इसका जो उसके बाद से नीचे डाउन आया था, रेजिस्टेंस लेवल लगा था $2.23 का लगा था 11 जनवरी को, और उसके बाद से एक और रेजिस्टेंस लेवल लगा था $1.63 का लगभग 20 जनवरी के आसपास। ओके, रिपल की एक ख़ास बात आप ये समझ लीजिए अभी के वक्त में कि इसका जो सपोर्ट लेवल है $0.6 का है। मैं सारा आप चीज़ जो है आपको डॉलर में बता रहा हूँ, सतोशी में नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो $0.60 जो है, या 60 सेंट्स कह सकते हैं, रिपल का काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। फेड में भी जब रेट नीचे आ रहा था तब भी 0.60 के आसपास सपोर्ट मिला था, और अभी भी जब मार्च में नीचे आया तो लगभग 0.54 के आसपास सपोर्ट मिला था। और अभी जो हम देख रहे हैं तो हमारा जो प्राइस मूवमेंट है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 से ऊपर चल रहा है, और 61.8 फिबोनाची लेवल को तोड़ के ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिपल बाय करते हैं। रिपल बाय करने से पहले एक बार हम बुक ऑर्डर में जाते हैं और वहाँ पे चेक कर लेते हैं किसने क्या क्या रेट पे सेलिंग और बाइंग पे रखा हुआ है। जैसे हम लास्ट रेट देखते हैं 41.22 पे है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अगर मैं बाइनेंस पे देख रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे रेट लगभग कुछ 43 या 44 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, तो कंपैरेटिवली अभी मुझे जेप्पे पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है। और मैं आप लोग से भी ये कहूँगा कि और भी जो भी एक्सचेंज है सब पे चेक कर लेना, जहाँ पे सस्ता मिले वहाँ पे आपको लेना हो तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले बाइंग में देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने, किसी ने 41 पे भी डाला है, कुछ 11 लाख के आसपास बाई करना है उनको। और देख सकते हैं आप जो लास्ट बाइंग है 41.14 की है, तो अब जब भी बिड डालते हैं तो एग्जैक्टली जो मार्केट रेट है उस पर मत डालिए, थोड़ा सा नीचे डालिए, क्योंकि कोई भी सेकंड्स में, कोई भी मिनट के अंदर रेट फ्लक्चुएट हो जाता है और आपका उसमें बाइंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अब बिड डालता हूँ, जैसे कि अभी मार्केट ऑर्डर 41.21 है, तो मैं यहाँ सेट कर देता हूँ 41.00। ओके, और मेरे पास अभी जो बैलेंस है 11,318 है, तो हम चेक करते हैं कि उसमें लगभग कितना हमें रिपल मिल सकता है। तो 255 करते हैं, अगर मैं 272 रिपल बाय करता हूँ 41 के रेट पे, तो अमाउंट होती है 11,152 रुपये, और थोड़े बहुत इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, तो देखते हैं कि ये कवर अप होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे कवर अप हो गया है, यानी कि मैंने 41 के रेट पे 272 रिपल्स बाय करने के लिए रख दिए हैं। अगर ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो मेरे अकाउंट से 11,152 रुपये कट जाते हैं। ओके, अभी देखिए मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है फ़िलहाल अभी आपके सामने, वो लगभग 11,275 का किया है। ठीक है, अब मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कम से कम 1 साल तक का वक्त दूंगा। ठीक है, 1 साल का वक्त दूंगा तो मैं कितना एक्सपेक्ट करता हूँ उसमें अर्निंग होगा, और अगर मुझे उतना भी इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर उसका मुझे
50% भी हुआ तो भी आप जो वैल्यू है वो देखना कितनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अभी जो मैंने इन्वेस्ट किया था 11 बजे के आसपास, तो रेट था 0.62 डॉलर, तारीख 17 है, मैंने 272 रिपल बाई किए हैं, इंडियन रुपीज़ में 41 रुपीज़ है, ठीक है। अब आने वाले 90 दिन यानी कि आने वाले 3 महीने में मैं कहाँ देखता हूँ इसको। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने रिसर्च के ऊपर से बता रहा हूँ, मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसके ऊपर से, चार्ट्स देख रहा हूँ उसके ऊपर से, तो हो सकता है आप लोग की राय इसमें थोड़ी बहुत अलग हो, लेकिन मैं इसको इस रेट के आसपास देख रहा हूँ। और भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 90 दिन में रिपल का जो रेट है वो लगभग 2.3 डॉलर के आसपास तक जा सकता है, और क्योंकि मई में कंसेंसस भी होने वाला है तो उससे भी काफ़ी रेट में फ़र्क पड़ेगा। तो अगर 90 दिन के आसपास या 90 दिन के बाद रिपल का रेट 2.3 डॉलर होता है या 146 होता है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है उसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 40,000 के आसपास, और अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूँ तो लगभग 28,500 का उसमें प्रॉफिट होता है। अगर मैं ईयर एंड तक का वेट करता हूँ, 1 साल का नहीं, 2018 के दिसंबर तक अगर मैं वेट करता हूँ तो मार्केट आगे काफ़ी अच्छा जाता है, ये रिपल भी जाता है, तो आराम से 10 डॉलर तक ये टच कर सकता है। 10 डॉलर हो सकता है अभी आप लोग को ज़्यादा लग रहा हो, आप 5 डॉलर या 6 डॉलर पकड़ के भी एस्टिमेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ 10 डॉलर पकड़ा है, तो लगभग 8 महीने का वक्त है हमारे पास अभी, और अगर उस हिसाब से जाता है तो जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसकी वैल्यू हो जाती है 11,000 के बदले 1,80,000 के आसपास हो जाता है। प्रॉफिट मैं निकालूंगा तो लगभग 1,65,000 के आसपास प्रॉफिट बनता है। ओके, 11,000 पे मुझे 1,65,000 का प्रॉफिट बनता है। अगर मैं इसको 1 साल के लिए पूरा रखता हूँ, आज की तारीख से 1 साल यानी कि अप्रैल 2019 तक अगर मैं इसे रखता हूँ, तो मार्केट अगर काफ़ी अच्छा जाता है, कंसेंसस के बाद भी काफ़ी अगर अच्छा जाता है, तो हो सकता है हम 2018 के बाद 2019 जैन के वक्त 50 डॉलर तक का रेट इसे हम देख सकते हैं। तो अगर 50 डॉलर तक भी जाता है, और जा भी सकता है, मार्केट वॉलेटाइल रहता है, क्रिप्टो करेंसी में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो अगर उतना जाता है तो एक रिपल की कीमत इंडियन रुपीज़ में लगभग 3,270 के आसपास हो जाएगी, और मैंने अभी जो इन्वेस्टमेंट की है जो 11,000 का, उसके बदले मेरे पास लगभग आ जाएगा 8,90,300 के आसपास प्रॉफिट होगा, लगभग 8,80,000 के आसपास। अगर 50 डॉलर भी नहीं जाता, सपोज़ करो 25 भी जाता है, तो भी 4 लाख के आसपास तक का उसमें प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये था पूरा रिपल के बारे में, मैं किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किस तरह से मैंने टारगेट बनाए हैं, वो मेरी अपनी राय है, और अगर आप लोग भी इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ी बहुत स्टडी कर लेना, और अगर आपको सही लगता है कि रिपल की जो पार्टनरशिप हो रही है अच्छी है, रिपल जो सर्विसेज दे रहा है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं बैंकिंग के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से उसमें एंट्री ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो कोई बात नहीं, आप कोई और भी ऑल्ट कॉइन्स अच्छे अच्छे हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट जो वीडियोस होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर भी जा सकते हैं, और मुझसे अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ एडवाइस लेना है किसी भी कॉइन्स के बारे में, तो टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम का पर्सनल जो लिंक है वो भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे नए वीडियोस और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।